नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम गार्ड भर्ती की तो दोस्तों जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में भी देख लिया होगा कि होमगार्ड भर्ती की खुली राह आप दस जून से फॉर्म भर सकते हैं आवेदक तो दोस्तों होम गार्ड की जो भर्ती का इंतजार था बहुत दिनों से वो भर्ती निकल चुकी है और आप दस जून से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं तो दस जून से दस जून दस जून से दस जुलाई के बीच में दोस्तों फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और ये बिल्कुल लेटेस्ट दोस्तों खबर है यहाँ पे पाँच जून 2020 की ठीक है तो होमगार्ड की जो भर्ती का इंतज़ार था लाखों युवाओं के लिए वो निकल चुकी है तो आगे की वीडियो में हम जानेंगे इस वीडियो में आपके लिए इस भर्ती में आपके लिए कैसे अप्लाई करना होगा क्या क्या करना होगा तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे होम गार्ड भर्ती की खुली रहा अब 10 जून से भर सकते हैं फॉर्म आवेदक ठीक है 10 जून से फॉर्म अभ्यर्थी जो हैं वो भर सकते हैं 10 जून से 10 जुलाई तक के बीच में आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए टाइम दिया गया है तो जल्दी से जल्दी जो लोग होमगार्ड में भर्ती देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है जल्दी से जल्दी अपने दस जून के बाद में अपने फॉर्म स्टार्ट स्टार्ट करना भरना मतलब ठीक है, है तो दोस्तों यहां पर पढ़ लेते हैं ये खुलासा न्यूज की खबर है दोस्तों आज के ही पेपर में निकली हुई है यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपके लिए ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो भर्ती है दोस्तों वो राजस्थान के युवाओं के लिए है जैसे कि आप देख सकते हैं जयपुर की ये रिपोर्ट है तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं दोस्तों आपको पूरी भर्ती का मामला क्या है पढ़ पड़ के मैं आपको समझा देता हूं तो यहां पर है दोस्तों प्रदेश में 2500 स्वयंसेवक सो, स्वयं सहित स्थायी होमगार्ड भर्ती की राह खुल गई है ठीक है तो 2500 स्वयंसेवक स्थायी तो होमगार्ड की जो रहा है वो प्रदेश में खुल चुकी है अब अभ्यर्थी 10 जून से 9 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं मतलब 10 जून से जो है आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि दोस्तों आपके चलेंगे 9 जुलाई तक तो इसका मतलब आपके लिए एक महीने का टाइम मिलेगा अपने इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए तो 10 जून से लेकर 9 जुलाई तक आपके यहाँ जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ठीक है पहले भी विभाग ने विज्ञप्ति जारी की थी लेकिन लॉकडाउन के चलते रोक लग गई थी ठीक है तो दोस्तों जो होमगार्ड की भर्ती है वो राजस्थान में मतलब इस साल के स्टार्टिंग से ही होनी थी ठीक है लेकिन जैसे ही उसकी करीब फरवरी में इसकी विज्ञप्ति आई थी राजस्थान में तो जैसे ही दोस्तों ये इसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई फिर क्या हुआ कि आपको सभी को पता ही है कि 22 मार्च से इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ था जिसकी वजह से ये भर्ती पर क्या है रोक लगी तो अभी दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन खुल चुका है ठीक है तो अभी क्या है ये भर्ती के लिए दोबारा से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ठीक है ऐसे में अब भर्ती की राह खुलने से अभ्यर्थी उत्साहित नजर आ रहे हैं इसके लिए विभाग में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं तो दोस्तों लॉकडाउन खुलते ही होमगार्ड विभाग में जो है वो तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और ये भर्ती जल्दी से जल्दी स्टार्ट की जाएगी ठीक है जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि दस जून से नौ जुलाई के बीच में आपके फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं ठीक है उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं इसके अलावा होमगार्ड के स्थायी पदों को भरा जाएगा ताकि गृह रक्षा विभाग में स्टाफ की कमी ना रहे उसके बाद में है दोस्तों अस्थायी होमगार्ड के कल्याण के लिए भी विभाग ने नवचार किया है ठीक है जो अस्थायी होमगार्ड हैं जो दोस्तों रिटायर होंगे उनके लिए विभाग ने कुछ राशि देने की योजना बनाई है तो ऐसे होमगार्ड जिनकी आयु पचपन वर्ष हो चुकी है वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं मतलब दोस्तों ऐसे होमगार्ड हैं जिनकी पचास पचपन साल उम्र हो चुकी है वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं मतलब रिटायर हो सकते हैं और उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए एक पॉइंट पचास लाख रुपए भी दिए जाएंगे मतलब जो होमगार्ड रिटायर होंगे पचपन साल की उम्र के बाद में उनके लिए डेढ़ लाख रुपए भी दिए जाएंगे जिससे वे व्यापार या फिर आजीविका का कोई स्थान मतलब साधन तैयार कर सकें ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों ये तो क्लियर हो चुका है कि होमगार्ड की भर्ती जो राजस्थान में होने वाली थी वो आ चुकी है और 10 जून से 9 जुलाई के बीच में आपके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे तो बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है दोस्तों बहुत सालों से इस भर्ती का इंतजार हो रहा था तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और तो दोस्तों साथ ही साथ बेलाइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत